मोबाइल कैमरा काफी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम लोग जब भी एक मोबाइल फोन परचेस करते हैं तो देखते हैं उसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा है और सोच लेते हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल मतलब बेहतरीन फोटो है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप सैमसंग या आईफोन को देख लो जिसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है वो भी फ्लैक्सी रेंज में, और इसके साथ आप कोई भी चाइनीज ब्रांड को कंपेयर करोगे जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर भी आपको देखेगा सैमसंग और आईफोन से बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। ऐसा नहीं कि ज्यादा मेगापिक्सल मतलब बेहतरीन फोटो, ज्यादा मेगापिक्सल मतलब ज्यादा रेजोल्यूशन, लेकिन आपको लोअर मेगापिक्सल से भी बेहतरीन फोटो मिल सकती है। लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि ग्रेन एंड नॉइज, शार्पनेस, नेचुरल कलर, डायनामिक रेंज, हाईलाइट्स, शेडोज, रेजोल्यूशन, ऊपर से शेडोज तक जितना भी पॉइंट है वो सब एवरेज है या नॉर्मल है, और सिर्फ रेजोल्यूशन अच्छा है तो ये कैमरा अच्छा है बिल्कुल नहीं। और लेंस, सेंसर, उसको प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये सब मैटर करता है और ये सब मिला के एक कैमरा को बेहतरीन बनाते हैं। मार्केट में एप्पल और सैमसंग जो भी फ्लैगशिप फोन बनाते हैं इसमें आपको मेगापिक्सल कम देखने को मिलता है कम्पेयर टू अदर ब्रांड, जिसमें आपको ह्यूज कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बट देखा जाए तो सैमसंग और एप्पल में बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलता है। इन रेपुटेड कंपनी का सॉफ्टवेयर टू द पॉइंट होता है और वो फोटोज बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए इन रेपुटेड कंपनी को ज्यादा मेगापिक्सल देने की जरूरत नहीं है। तो इन गलत फहमी में आप मत रहो कि ज्यादा मेगापिक्सल मतलब बेहतरीन फोटो, लोअर मेगापिक्सल से आप बेहतरीन फोटो खींच सकते हो अगर कैमरा को अच्छे से बनाया जाता है, जैसे सैमसंग और एप्पल बनाता है फ्लैगशिप रेंज फोन के लिए। इस तरीके से अगर कैमरे को बनाया जाता है तो बेहतरीन फोटो लोअर मेगापिक्सल से भी खींच सकते हो, आपको ज्यादा मेगापिक्सल की जरूरत ही नहीं है। आप 12 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल से भी अच्छे से फोटो खींच सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फोन परचेस करोगे तो उस फोन के कैमरा का कलर, शैडोज, नॉइस, शार्पनेस, सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद ही आप परचेस करना, क्योंकि आप लोअर मेगापिक्सल से भी बेहतरीन फोटो खींच सकते हो। अगर आपको कैमरा रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।